आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप यादव की अभद्र टिप्पणी की वजह से बिहार में राजनीति का पारा चढ़ गया है। बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता इस मौके पर आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई किसी से भी नहीं छुपी है कि जॉर्ज फर्नांडिस और आडवाणी जैसे सीनियर नेताओं को जेडीयू बीजेपी ने कैसे किनारे लगा दिया। खैर, अपनी कमी किसी नेता को दिखती नहीं, लेकिन दूसरे की कमी जरूर दिख जाती है। अब तेज प्रताप के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेता राजनीति कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का नाम भी जुड़ गया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जगदानंद बाबू जैसा नेता राजद के परिवारवाद में उलझ कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी में केवल एक परिवार की चलती है और इस परिवार ने जगदा बाबू को प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि अगर जगदा बाबू बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मुझे तो लग रहा है कि जगदानंद सिंह जी इतने दिन इन लोगों के साथ टिके कैसे हुए हैं, और आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद के सहारे चल रही है। जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद के परिवार के बाहर के व्यक्ति हैं। इतने दिनों तक उन्होंने राज्य के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी है और इतने दिनों तक उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सहा है, और किस प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रताड़ित किया है, उनके जो राज्य के अध्यक्ष के रूप में उनके जो अधिकार हैं उससे हमेशा उन्हें वंचित रखा है। मैं तो जगता बाबू को, हम सबों के अभिभावक है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सहनशील व्यक्ति जो अब तक सहते रहे उन्हें कहीं न कहीं उस जाल से निकलकर प्रदेश में जो विकास का एक दौर है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दौर में शामिल होकर राज्य की बेहतर सेवा करना चाहिए, राज्य को उनकी जरूरत है। अरे देखिए, जगदा बाबू आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब स्वागत करेंगे, उनके अनुभवों का लाभ है निश्चित रूप से हम लेना चाहेंगे। पिछले दिनों तेज प्रताप ने आरजेडी के कार्यकाल में ही विवाद खड़ा कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ विधायकों की मौजूदगी में जगदानंद सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी के लिए जगदानंद सिंह जैसे नेता ही जिम्मेदार हैं। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए क्या लगता है, अब ये बताएंगे हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे आप। हम तो पांच बार आए, पता नहीं जो स्लिप लगाई, जबकि हम नवासी से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है, गरीब का पार्टी है, गरीब का। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा था कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व उनका स्वागत करते थे, लेकिन जगदानंद सिंह ने कार्यकाल में उनका स्वागत नहीं किया था। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए क्या लगता है, अब ये बताएंगे हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे आप। हम तो पांच बार आए, पता नहीं जो स्लिप लगाई, जबकि हम नवासी से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है, गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है, पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। आप खुद देखिए, आप जाकर के यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा, ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का, यहाँ कोई भी आ सकता है। रामचंद्र पूर्व थे तब भी ऐसा होता था क्या? ना, वो थे तो नहीं होता था, वो थे तो नहीं होता था। हम भी आते थे, वो तो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आते थे। जो सबकी बातों को सुने, सब होना ही चाहिए, जो समाज के बीच में हो, जो नहीं बोले विधायकों की अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। अभी हम देखिए, माननीय विधायक हैं, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए। स्थिति है पार्टी को बर्बाद करने में, लोगों की स्थिति है पूरे तरीके।
तेज प्रताप के इस बयान पर खुद आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि तेज प्रताप को अब अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और अब उन्हें खुद आगे बढ़कर जगदा बाबू से अपने किए को लेकर माफी मांग लेनी चाहिए। इससे आरजेडी के सीनियर लीडरों का भी पार्टी नेतृत्व पर भरोसा बरकरार रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।